हेलो, दिस इज विश्वास कुमार। आज हम लोग देखते हैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर जो जनरली हर जगह पूछे जाते हैं, और एक सिविल इंजीनियर होने के नाते हमको ये सब छोटे मोटे जानकारी होना पता होना चाहिए। तो पहला है कि व्हाट डू यू डू अंडरस्टैंड बाय M25 कंक्रीट। ये मेरा जो नोट्स है ये बहुत पुराना है, जिसके कारण जो इंक है थोड़ा दब गया है। सो प्लीज माइन इज, तो फर्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय M20 कंक्रीट। तो M20 कंक्रीट से हम लोग क्या समझते हैं? तो अकॉर्डिंग टू IS 456-2000, IS 456-2000 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग इसमें RCC स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। M25 हम लोग कहाँ पढ़े थे? वहीं पढ़े थे, RCC स्ट्रक्चर में। तो जिसमें जो एम है वो एम क्या रेफर करता है? मिक्स को रेफर करता है। एंड 25 क्या रेफर करता है? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब। जो क्यूब का साइज कितना रहता है? 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm टेस्टेस एट द एंड ऑफ 28 डेज शुड बी मिनिमम 25 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, सॉरी न्यूटन पर स्क्वायर mm। तो यहाँ पे जो एम है वो क्या करता है? मिक्स को रिप्रेजेंट करता है। 25 है ये, 28 दिन का एक क्यूब टेस्ट होता है, जिसका साइज है क्यूब का, जो उस क्यूब होता है उसका साइज होता है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। इस क्यूब में कंक्रीट को फिल कर दिया जाता है और उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला जाता है। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो रेफर करता है ये 25। ये बताता है कि 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका स्ट्रेंथ है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउेबल फ्रेश कंक्रीट टेम्परेचर अंटिल यूज्ड एज ASTM। तो मैक्सिमम अलाउेबल फ्रेश कंक्रीट टेम्परेचर के लिए कितना होना चाहिए? तो वो होता है 32 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट है व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू बिकम अ आर्किटेक्ट। एक आर्किटेक्ट इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या स्किल हमको होना बहुत जरूरी है? तो फर्स्ट है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजाइनिंग मॉडल्स। तो डिजाइन मॉडल का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड आर्किटेक्ट रिलेटेड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो जो हमको आर्किटेक्ट रिलेटेड जितना भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है और कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज होता है ये तो जानना जरूरी है, क्योंकि हमको आर्किटेक्ट का सारा काम ही कंप्यूटर में ही होता है। आजकल डिजाइनिंग पूरा कंप्यूटर में आ गया है। फिर डिजाइनिंग के लिए 3D मॉडल्स जानना पड़ेगा। इंजीनियरिंग एबिलिटी होना चाहिए, उसके पास डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग का। फिर बिजनेस एप्टीट्यूड होना चाहिए और लीगल नॉलेज होना चाहिए। लीगल नॉलेज कहने का मतलब है कि वो किसी इंस्टीट्यूट से नॉलेज लिया हुआ, उसके पास डॉक्यूमेंट्स हो कि वो नॉलेज ले चुका है। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज ग्नूटिंग। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड इज प्रोपोर्शन ऑफ 1:3 इज सॉर्टेड ऑन कंक्रीट सरफेस विद द हेल्प ऑफ सीमेंट गन अंडर प्रेशर इज 2:3 kg/m². इट इज अ हाईली इफेक्टिव प्रोसेस फॉर रिपेयरिंग कंक्रीट वॉल और डैमेज सरफेस। क्या होता है कि मेरा जो कंक्रीट वॉल जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें डैमेजेस आ जाते हैं या क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसको हमको फिल करना रहता है। तो क्या किया जाता है कि सीमेंट का और सैंड का एक हम लोग 1:3 का प्रोपोर्शन तैयार करते हैं और उसको गन के सहायता से फिल कर देते हैं, जहां पे मेरा क्रैक आया है या जहां पे मेरा डैमेजेस हुआ है उसको, उस सरफेस को रिपेयर कर देते हैं। तो वही लिखा गया है यहाँ पे कि ग्नूटिंग वही होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्नूटिंग, जो कि किस एक प्रेशर से हम लोग उसमें डालते हैं, जो कि 2:3 2 से मतलब 3 kg/cm² का वो प्रेशर होता है। और ये ज्यादा इफेक्टिव प्रोसेस है रिपेयरिंग कंक्रीट वॉल और डैमेज सरफेस के लिए। अब है नेक्स्ट 5 नंबर, फॉर फिलिंग क्रैक्स इन मैसनरी स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ बिटुमेन यूज्ड इज प्लास्टिक बिटुमेन। तो
फिलिंग क्रैक्स इन मेसनरी स्ट्रक्चर द टाइप्स ऑफ बिटुमिन यूज्ड इन प्लास्टिक बिटुमिन। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स, एक्सप्लेन। ये सबसे इजी क्वेश्चंस है, जो बेसिक क्वेश्चंस इसको बोल सकते हैं कि हर जगह पूछा जाता है कि जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या होता है और शेयर फोर्स क्या होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अब बेंडिंग मोमेंट इज द रिएक्शन इंड्यूस्ड इन अ स्ट्रक्चर एलिमेंट व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स और मोमेंट इज अप्लाइड टू द एलिमेंट कॉजिंग द एलिमेंट टू बेंड। द मोस्ट कॉमन और सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर एलिमेंट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट इज द बीम। शेयर फोर्स क्या होता है? तो शेयर फोर्स इज द फोर्स इन द बीम एक्टिंग परपेंडिकुलर टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस फॉर अ डिजाइन पर्पस। द बीम एबिलिटी टू रेसिस्ट शेयर फोर्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इट्स एबिलिटी टू रेसिस्ट एन एक्सियल फोर्स। एक्सियल फोर्स इज द फोर्स इन द बीम एक्टिंग पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। समझ में आ गया कि बेंडिंग मोमेंट क्या है और शेयर फोर्स क्या है। इस तरह से अगर शेयर कर जाए, जिस फोर्स के कारण ये शेयर कर जाए, तो वो क्या कहलाएगा? शेयर फोर्स कहलाएगा। मान के चलिए मेरा हाथ है, तो ये क्या हुआ? अगर ऊपर से कोई लोड लगा और ये ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे, तो ये क्या हुआ? ये शेयर फोर्स हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो यहां पे देखिए, यहां पे इसे लगाया लोड, ये बेंड हो गया। यहां पे हमने लोड लगाया, ये बेंड हो गया, ये बेंड हो गया, ये हो गया मेरा बेंडिंग मोमेंट। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग ऑफ कंक्रीट प्लेस्ड ऑन द एक्सपोज्ड टॉप ऑफ एन एक्सटर्नल वॉल। तो कॉपी, तो हम लोग देखते हैं जनरली जो मेरा स्ट्रक्चर का साइड साइड में जो रहता है, बीच ऊपर में जो मतलब टॉपी टाइप का जो रहता है, जो कि पानी जब गिरता है तो वो उससे साइड साइड से निकल जाता है, जिससे वहां पे वो, जिसके कारण वहां पानी जमेगा नहीं, और जब पानी उसमें जमेगा नहीं तो उसमें क्या बोलते हैं उसको, सेवाल नहीं आएगा, ग्रीन ग्रीन जो हो जाता है ना वही। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग द कंक्रीट प्लेस ऑन द एक्सपोज टॉप ऑफ एन एक्सटर्नल वॉल। एक्सटर्नल वॉल में जो एक्सपोज टॉप का रेन को एक्सपोज करने के लिए कहते हैं, उसको कॉपिंग बोलते हैं। अ वॉल कंस्ट्रक्टेड टू रेसिस्ट द प्रेशर ऑफ अन अर्थ फिलिंग इज नोन एज रिटेनिंग वॉल। ये तो सबको पता होगा। फिर व्हाट इज द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड। मिनिमम क्यूरिंग पीरियड क्या है? क्यूरिंग तो पता ही आप लोग को, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क में हम लोग जब उसको सेटिंग टाइम के लिए, डिहाइड्रेशन प्रोसेस के लिए, जो उसमें पानी का तराई करते हैं, यानी कि पानी जो पटाते हैं हम लोग, वो मेरा कहलाता है क्यूरिंग। तो मिनिमम क्यूरिंग पीरियड क्या हो जाता है? IS 456-2000 बोला है कि क्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ कंक्रीट मस्ट बी एटलीस्ट 7 डेज इन केस ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज कर रहे हैं तो हम मिनिमम 7 डेज हम लोग को करना पड़ेगा क्यूरिंग। एट लीस्ट 10 डेज फॉर कंक्रीट विद द मिनरल एडमिक्सचर। अगर हम लोग उसमें कोई एडमिक्सचर यूज किए हैं तो मिनिमम 10 दिन तो हम लोग को क्यूरिंग करना ही पड़ेगा। तो फॉर कंक्रीट विथ मिनरल एडमिक्सचर इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड दैट द क्यूरिंग ड्यूरेशन शुड नॉट बी लेस देन 10 डेज फॉर कंक्रीट ऑफ ओपीसी एक्सपोज टू ड्राई एंड हॉट वेदर कंडीशन एंड 14 डेज फॉर कंक्रीट विद द मिनरल एडमिक्सचर इन हॉट एंड ड्राई वेदर। तो समझ गए हम लोग क्या क्या इसका जो मिनिमम क्यूरिंग पीरियड जो है वो क्या क्या है। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द मिनिमम वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट फॉर सीव एनालिसिस एज पर एसटीएम 3136। ये 300 ग्राम होता है। हाउ मेनी आवर्स शुड सीबीआर सैंपल बी सॉकेड। ये होता है 96 आवर। व्हाट इज अ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल। तो बेयरिंग कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ सोयल टू सपोर्ट द लोड्स अप्लाइड टू द
ग्राउंड बाय द फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे सीबीआर, तो सीबीआर क्या है, ये होता है कॉलिफोरिया बियरिंग रेशियो। अब नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय हनीकॉम्ब इन कंक्रीट। तो हनीकॉम्ब क्या होता है कि एयर पॉकेट जो बन जाता है ना मेरा कंक्रीटिंग करने के बाद, वो कहलाता है हनीकॉम्ब। इज नथिंग बट द एयर वॉइड्स इन कंक्रीट। कंक्रीट में जो एयर वॉइड्स है वही होता है मेरा हनीकॉम्ब। इट इज द यूजेबल फॉर्म ड्यूरिंग कंक्रीट कास्टिंग। कंक्रीट कास्टिंग के बाद हम लोग इसमें फॉर्म होता है ये। व्हाट फिलेट टेस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी चेक ऑफ सीमेंट। क्वालिटी चेक सीमेंट के लिए हम लोग क्या क्या फील्ड टेस्ट रिक्वायर्ड करते हो। तो क्वालिटी ऑफ सीमेंट कैन बी चेक्ड विद द कलर फिजिकल प्रॉपर्टी ईटीसी। कलर फिजिकल प्रॉपर्टी ईटीसी। सीमेंट शुड हैव ग्रे कलर विथ लाइट ग्रीनिश शेड। इट शुड फील स्मूथ व्हेन रबर्ड बिटवीन फिंगर्स। जब हम लोग उसको सीमेंट को रब करेंगे फिंगर्स में तो स्मूथ होना चाहिए। अगर सीमेंट में हम सीमेंट का बोरा हम लोग हाथ डाल देंगे तो पूरा कूल महसूस होना चाहिए। और हम लोग क्या देख सकते हैं, जो कलर जो है उसका ग्रे कलर होना चाहिए। इफ हैंड इज द इंसर्टेड इन द हेड हीप ऑफ सीमेंट और इट्स बैग, इट शुड फील कूल। ये बता दिए, व्हेन पिंच ऑफ सीमेंट इज थ्रोन इन वाटर देन सीमेंट शुड फ्लोट फॉर सम टाइम बिफोर इट सिंक्स। मतलब सीमेंट को अगर हम पानी में डालें तो पहले कुछ टाइम के लिए वो उसमें फ्लोट करेगा सीमेंट, उसके बाद डूबेगा। ऑल्सो इट शुड बी लम्स फ्री और उसमें लम्स नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का सीमेंट का पैक में, यानी कि किसी प्रकार का ढेला नहीं बन जाना चाहिए। एक प्रकार का जो बन जाता है ना ढेला उला, वो नहीं होना चाहिए, पूरा स्मूथ होना चाहिए। फिर एक्सप्लेन व्हाट इज फ्लैशिंग। तो फ्लैशिंग इज एक्सटेंडेड कंस्ट्रक्शन दैट इज डन टू सील एंड प्रोटेक्ट ज्वाइंट्स इन अ बिल्डिंग फ्रॉम वाटर पेनेट्रेशन। तो फ्लैशिंग क्या है, वाटर पेनेट्रेशन के लिए जो हम लोग एक्सटेंडेड कंस्ट्रक्शन करते हैं ना सील एंड प्रोटेक्टेड ज्वाइंट्स के लिए, ज्वाइंट इन अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के ज्वाइंट में जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो उसके है, वो फ्लैशिंग। फ्लैशिंग इज इंस्टॉल्ड एट द इंटरसेक्टिंग रूफ्स हो गया, वॉल्स हो गया एंड पैरापेट्स हो गया। यहाँ हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं। अब देखते हैं हम लोग वाट आर द टाइप्स ऑफ सीमेंट। सीमेंट का क्या क्या टाइप्स होता है। तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट विच आर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, व्हाइट पोर्टलैंड सीमेंट, कोजलाना पोर्टलैंड सीमेंट, लोहेट सीमेंट, कलर पोर्टलैंड सीमेंट, हाइड्रोफोबिया सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, सल्फेट रेसिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट इत्यादि। फिर लास्ट मेरा नॉट लिस्ट, वाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल्ट एरिया एंड सुपर बिल्ट अप एरिया। तो बिल्टअप एरिया क्या होता है और सुपर बिल्टअप एरिया क्या होता है। तो बिल्टअप एरिया होता है, इट इंक्लूड्स योर कारपेट एरिया प्लस एरिया कवर्ड बाय वॉल। जो कारपेट एरिया हुआ और जितना एरिया मेरा कवर्ड है वॉल से, वो मेरा कहलाएगा बिल्टअप एरिया। पिलर्स एंड डक्ट्स, इट इज यूजुअली 10% मोर फ्रॉम द कारपेट एरिया। कारपेट एरिया से 10% ज्यादा होता है। और कारपेट एरिया क्या होता है, ये बिल्टअप एरिया है, मतलब जितना में मेरा बिल्डिंग बना है वो कारपेट एरिया कहलाता है। लिविंग एरिया बोल सकते हैं जितना में हम लोग रहते हैं, ये बिल्टअप एरिया हो गया मेरा। उसमें अगर वॉल को भी ऐड कर दे तो मेरा कहलाता है बिल्टअप एरिया। अब सुपर बिल्टअप एरिया कहलाता है, इट इंक्लूड्स योर बिल्टअप एरिया प्लस द एरिया दैट यू आर एज अ बिल्डिंग एमेनिटीज लाइक पैसेज ऑफ लिफ्ट स्टेयर एंड लिफ्ट जिम्स क्लब। अगर ये सब हम लोग एड कर देते हैं बिल्टअप एरिया में तो वो मेरा कहलाता है सुपर बिल्टअप एरिया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।